पश्चिम बंगाल के कोलकाता मेडिकल कॉलेज में छात्र के साथ बर्बरता पूर्वक रेप के बाद निर्मम हत्या मामले में देश भर के डॉक्टर में रोष व्याप्त है और छात्र को न्याय मिले और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो, इसे लेकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर द्वारा विरोध जाहिर किया जा रहा है। इसे लेकर अजमेर संभाग की सबसे बड़े जेएलएन अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टर के बाद अब सेवारत डॉक्टर भी हड़ताल पर चले गए, जिसके कारण कुछ सीनियर डॉक्टर के भरोसे अस्पताल संचालित किया जा रहा है। ऐसे में व्यवस्थाएं ना बिगड़े, इसे लेकर व्यापक इंतजाम अस्पताल प्रशासन की ओर से किए गए। डॉक्टर के जाने के बाद इमरजेंसी सेवाओं को बहाल रखने के लिए सीनियर डॉक्टर तैनात किए गए हैं, तो वहीं अस्पताल अधीक्षक अरविंद खरे ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आउटडोर में जेएलएन मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉ अनिल समरिया के साथ ही कुछ सीनियर डॉक्टर ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिससे कि किसी तरह की परेशानी ना हो। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट छात्रा के साथ रेप की वारदात निंदनीय है और हमारी संवेदनाएं उसके साथ हैं, लेकिन अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीज को भी इलाज मिले, यह हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे में वह इमरजेंसी सेवाओं के साथ साथ अस्पताल के आउटडोर में सेवाएं दे रहे हैं और यहां व्यवस्था सही रहे, इसे लेकर आर्मी और रेलवे अस्पताल के डॉक्टर की मांग फीकी गई है। इसे लेकर उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई है, साथ ही कलेक्टर को भी पत्र लिखा गया है। वही इस मामले को लेकर सरकार भी संवेदनशील है और जल्द व्यवस्थाएं सुचारू हों, इसे लेकर प्रयास किया जा रहे हैं। फिलहाल इमरजेंसी में डॉक्टर तैनात है और अस्पताल में भर्ती मरीजों को पर्याप्त इलाज मिले, इसे लेकर व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इस हड़ताल के बाद अजमेर स्वास्थ्य विभाग के पस सीएसएससी में तैनात सेवारत डॉक्टर भी कार्य बहिष्कार पर चल गए हैं, साथ ही अस्पताल और अन्य स्थान पर तैनात नर्सिंग कर्मचारी काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में स्थित ना बिगड़े, इसे लेकर उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। आज अस्पताल के अंदर सीनियर डॉक्टर्स फैकल्टी ने कार्य बहिष्कार रखा है ओपीडी का। रेजिडेंट पहले से स्ट्राइक में है और अभी हमारे यहाँ पर हमने व्यवस्था करी है कि कैजुअल्टी और इमरजेंसी सर्विसेज और आईसीयूज उसमें किसी तरह की बाधा नहीं आए। जो भी सीरियस पेशेंट आया उसका इलाज की पूरी व्यवस्था करी है। हमने मिलिट्री हॉस्पिटल से भी हमने फैकल्टी चिकित्सकों को हमने डिमांड करी है, रेलवे से भी हमने डिमांड करी है कि जिससे हमारा ओपीडी सर्विसेज मेंटेन हो जाए। और अभी तक अभी जो हमें फैकल्टी ने बताया कि 8 से 2 तक वो कार्य का बहिष्कार करेंगे, जब तक व्यवस्था बनाने के लिए हमने पूरा यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। ओपीडी आज संचालित हो रही है? ओपीडी चल रही है, अपने ओपीडी इमरजेंसी ओपीडी चल रही है। अच्छा। रूटीन ओपीडी के अंदर है जो हम लोग डॉक्टर अनिल सामरिया बैठे हुए हैं और बाकी लोग जो बैठे हैं, है ना। और अभी अभी जैसे फील्ड से जो डॉक्टर आ रहे हैं उनको हम तुरंत ओपीडी में लगा रहे हैं।